उनका बचपन बैरकपुर विलेज जो कि बनगांव में पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनीवेयर डोर, जहाँ पे हम लोग हर संडे नई नई जगह घूमने जाते हैं और आप लोगों के साथ हमारा जर्नी शेयर करते हैं। तो इस संडे यानी कि 24 मार्च को हम गए थे विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, जो कि एक बहुत बड़े लेखक थे, उनके पुराने घर में जहाँ पे वो रहते थे। तो दोस्तों, अगर आप विजिट करना चाहते हैं उनके घर, तो कोलकाता से पहले आपको सियालदह स्टेशन में आना पड़ेगा। फिर सियालदह स्टेशन से आपको बनगांव लोकल, जो कि वहाँ का एक बहुत ही फेमस ट्रेन है, क्यों फेमस है मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, तो वो ट्रेन पकड़ के आपको बनगांव जंक्शन में उतरना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा जो कि उनके घर तक एकदम डायरेक्ट ले जाता है। वैसे दोस्तों, बनगांव लोकल एक बहुत ही फेमस ट्रेन है एंड आई डू ट्रैवल एवरी डे एंड व्हाइल ट्रैवलिंग इट फील्स वेरी सेफ एंड कंफर्टेबल इन यू नो, एकदम भाई क्या बताए, जिंदगी अपरम पार हमारी। We deserve a मालगाड़ी भैया, nothing else। चलिए दोस्तों, बहुत हो गया मजा, अब थोड़ा ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं। विभूतिभूषण बंदोपाध्याय was one of the leading writers of modern Bengali literature। उनका जन्म हुआ था मुरतीपुर विलेज नियर कल्याणी, जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उनके मामा के घर 12 सितंबर 1894 में। उनका जन्म भले ही कल्याणी में हुआ था, लेकिन उनका बचपन बैरकपुर विलेज जो कि बनगांव में पड़ता है वहाँ पे बीता था। विभूतिभूषण बहुत ही हट्टे कट्टे थे और वो लिखने के लिए बहुत दूर ट्रैवल करते थे, वो माइल्स कवर करते थे और जंगल में जाते थे, वहाँ पे जाके नेचर के पास जाके वो अपना राइटिंग्स लिखते थे। तो चलिए अब थोड़ा उनकी एजुकेशन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। विभूतिभूषण बंदोपाध्याय बनगांव हाई स्कूल में पढ़ते थे एंड विच वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल इन ब्रिटिश इंडिया। वो बहुत ही होनहार थे पढ़ाई में और उनको फर्स्ट डिविजन प्लेसमेंट भी मिला था इंटरमीडिएट आर्ट्स एग्जामिनेशन में। उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री रिपन कॉलेज से किया था, विच इज एट प्रेजेंट नोन एज सुरनाथ कॉलेज एट कोलकाता, एंड ही स्टडीड इकोनॉमिक्स, संस्कृत एंड हिस्ट्री इन हिज अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। उनके कॉलेज के बाद वो मास्टर्स के लिए एप्लीकेबल भी हुए थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी ही कुडंट अफोर्ड मास्टर्स। लेटर ही जॉइंड एज अ टीचर इन अ स्कूल। एज दे वर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, सो विभूतिभूषण बंदोपाध्याय एक लेखक बनने से पहले बहुत सारे जगहों में काम करते थे। विभूतिभूषण जब खारशिला में थे, तभी उन्होंने अपना नॉवेल पंचाली लिखा भी था और उसे पब्लिश भी किया था। एंड वेरी सून आफ्टर हिज पब्लिकेशन पंचाली ब्रॉट बंदोपाध्याय टू प्रोमिनेंस टू बंगाली लिटरेचर। After Pother Panchali, Bibhutibhushan Bandopadhyay wrote the next part, that is Aporajita. And after that, he wrote Opur Sanskar. And after that, he wrote Opur Sanskar. Bibhutibhushan was married twice. Unka pehli biwi ka naam tha Gauri Devi, jo ki shaadi ke kuch dino baad hi guzar gaye the, as she was suffering from cholera. Aur Gauri Devi ke guzar jane ke baad, he was suffering from pain and loneliness, but somehow he converted his pain and loneliness into his writings, जो कि बहुत popular हुए और बहुत नाम कमाए। At the age of 46, विभूतिभूषण ने दूसरी शादी की रमा चट्टोपाध्याय से और उनके एक बच्चा भी हुआ था 1947 में, जिसका नाम था तारादास। तो दोस्तों, मैंने आज उनके कुछ पॉपुलर अचीवमेंट्स के बारे में आप सबसे शेयर किया, बट बेसिकली ही हैज गॉट लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स। देयर इज नथिंग मच टू सी ओवर हियर, बट या इफ यू आर स्टडिंग बंगाली लिटरेचर देन यू कैन श्योरली कम एंड चेरिश विभूतिभूषण। एनीवेज, इफ यू गाइस लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन बिकॉज बहुत मेहनत लगता है यार। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ट्रैवल वीडियोस। It's caught in the crossfire.